हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास नाइन्थ की साइंस का असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9। और इसमें आपको 10 मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं और जिसमें से 8 एमसीक्यू हैं एंड 2 असर्शन रीजन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला गया है कि ब्लड एंड सी वाटर आर, देखिए ब्लड एंड सी वाटर क्या है आपके। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो एक कंपाउंड है और सी वाटर इज ए मिक्सचर। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक तरीके से मिक्सचर हैं, ये एकदम सही है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी दिखा देता हूँ पूरी। ये देखिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है आपके कि ब्लड इज ए कंपाउंड एंड सी वाटर इज ए मिक्सचर, ठीक है। सी वाटर कंटेन मैनी थिंग्स अदर वाटर लाइक डिफरेंट सॉल्ट मिनरल्स एक्सेट्रा एंड ब्लड कंटेन जैसे कि प्लाज्मा WBC RBC, ठीक है, एंड ब्लड प्लेटलेट। और हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड सी वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। तो इसको हम कह सकते हैं कि देन आर मिक्सचर्स है, ठीक है। सो आपको जो भी अच्छा लगे, तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि ये दोनों ही आपस में क्या है, मिक्सचर है, तो आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। वरना ब्लड इज ए कंपाउंड एंड सी वाटर इज ए मिक्सचर, ये भी लगा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन इसके एक तरीके से करेक्ट होंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। देखिए आपको केमिकल चेंजेस पता होगा जिससे हमें कुछ न्यू सब्सटेंस, देखिए मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, जिससे हमें कोई न्यू सब्सटेंस मिलता है। देखिए हम जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए डिकेइंग ऑफ वुड, आपका जो डिकेइंग ऑफ वुड है यानी कि वुड को दफना देते हैं, ठीक है, मतलब डिके कर देते हैं, और बर्निंग ऑफ वुड, ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। क्योंकि बर्निंग जब करते हैं तो हमें ऐश मिलता है, ठीक है, और फिर जब इसे डिकेइंग कर देते हैं वुड को तो हमें क्या मिलता है, कोल मिलता है, ठीक है। सो बिकॉज दीज प्रोसेसेस आर केमिकल, कंपोजिशन ऑफ वुड कैन बी चेंज न्यू सब्सटेंस एंड विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू, ठीक है। सो इसलिए जो आपका ये जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है क्या है, डिकेइंग ऑफ वुड एंड बर्निंग ऑफ वुड। सो फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ए एंड इसमें आप जो चाहे, तो मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पे यस ए वाला लगा सकते हैं कि दोनों ही मिक्सचर है, वरना आप लोग ब्लड भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलॉइड। देखिए कोलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड होते हैं आपके जो कि क्या होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन से बड़े होते हैं उसके पार्टिकल्स। कोलॉइड के पार्टिकल्स हमें लगता है देखने में होमोजीनियस है, बट वो हेटरोजीनियस होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग इसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन देखें आंसर की, तो देखिए ये रहा कि करेक्ट आंसर इज क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन, बिकॉज क्योंकि द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये क्या है, कोलॉइड के ही है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता तो कि ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि लोग आते हैं आपको खाली ऑप्शन टिक करवा के चले आते हैं, बट आपको इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि कोलॉइड सस्पेंशन एंड आपका यस कोलॉइड सस्पेंशन सॉल्यूशन रहता है, तो सॉल्यूशन से टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट सस्पेंशन और कोलॉइड से आपका जो कि टिंडल इफेक्ट है वो शो होगा, ठीक है। सो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग इसमें से अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। देखिए ये रहा कि अनलाइक कोलॉइड सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या है, कोलॉइड सॉल्यूशन शो करता है, ठीक है, आपका सस्पेंशन भी करता है, लेकिन एक उसकी कंडीशन होती है कि सस्पेंशन खाली तभी शो करता है जब तक वो स्टेबल रहता है, ठीक है, मतलब अनस्टेबल रहता है वो नेचर में, तो वो जब तक ऊपर रहता है गोल गोल, मतलब उसमें अनडिस्टर्ब रहता है, ठीक है, तब तक वो शो करता है, लेकिन जैसे ही वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है, वो स्टेबल हो जाता है तो वो नहीं शो करता, क्योंकि सारे पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका ऑलवेज टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो स्टार चीज़ है कोलॉइडल सॉल्यूशन। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, हमें आपके एक बटन दबाने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो इसका आंसर हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, स्टार सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, कोलाइड आर होमोजीनियस। नो, तो यही आपके करेक्ट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि कोलाइड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं,
वो आपको यहाँ पे क्या शो करता है, यस मैं बताऊँ तो वो आपको हेटरोजीनियस शो करता है बट आपको देखने में होमोजीनियस लगेगा। जैसे ब्लड, ब्लड देखिए आप लोग अच्छे से उसके अंदर RBC प्लेटलेट सब मिक्स है, लेकिन हमें क्या दिखता है कि वो होमोजीनियस, बट वो क्या है एक हेटरोजीनियस होता है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, वो लगे है विच इज़ अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। कैसे, अगर आप लोग ऐसे ऐसे डायरेक्ट देखें तो आपको लगेगा पार्टिकल इज साइज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, सही है। दे आर अनस्टेबल इन नेचर, सही है। दे ऑलवेज शो टेंडल इफेक्ट, सही है। लेकिन इट्स कॉम्पोनेंट्स कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेसेस, सही है। तो इसमें गलत क्या है, तो मैं बताऊँ तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है कि दे ऑलवेज शो टेंडल इफेक्ट। मैं आपको शो करता हूँ इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए आपकी। सो देखिए यही है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि नो सस्पेंशन विल नो शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज, अब देखिए क्यों, क्योंकि सस्पेंशन द सॉल्यूट सेटल डाउन, बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। सो फॉर टिंडल इफेक्ट जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो स्कैटर करते हैं बीम को, तभी वो शो होता है। तो जब पार्टिकल्स ही नीचे बैठ जाएंगे तो टिंडल इफेक्ट कैसे शो करेगा, आप ही बता सकते हैं, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दे ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, ये आपकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वो बीच में करता है टिंडल इफेक्ट शो बट ऑलवेज नहीं करता, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑलवेज हट जाता तो हम शायद इसे टिक कर सकते थे। ओके क्वेश्चन नंबर 7 है, जेल इज ए एग्जांपल। अब देखिए जेल क्या है आपका, जेल आप देख सकते हैं इम्यूलेजन नहीं है, सस्पेंशन नहीं है, मिक्सचर नहीं है, वो एक आपका कोलॉइड है, ठीक है, कोलॉइड है। आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, रुकिए मैं देखता हूँ। ओके सो इसकी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेल क्या है आपका, एक कोलॉइड है, वो सिंपली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 था आपका, इफ द कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय ए केमिकल चेंज ओनली देन इट्स, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम जरूर देखेंगे। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, इफ द कंपोनेंट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल चेंज, ठीक है, सो देन क्या है, वो एक कंपाउंड है। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से कर दो, जल्दी से, हाँ खाली एक बटन ही दबाना है। ओके तो इसका क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड, ठीक है। आपको मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं असर्शन रीजन की, जिसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ही जरूरी होती है, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे कि आपको पता होगा 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजन में, ABCD, ठीक है, जो कि आपको पता ही होगा अब तक क्योंकि हम लोग बहुत सारे असेसमेंट कर चुके हैं। सो असर्शन है आपका, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलॉइड सॉल्यूशन प्लेस इन अ डार्क प्लेस द पाथ ऑफ बीम बिकॉज बिकम विजिबल, ऑफकोर्स विजिबल हो जाता है, क्यों। अब रीजन भी देखिए क्यों, क्योंकि लाइट्स गेट स्कैटर द कोलॉइड पार्टिकल। सो इसका असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, और असर्शन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि जो लाइट है वो स्कैटर कर देता है कोलॉइड पार्टिकल्स और तभी हमें वो जो बीम ऑफ लाइट है वो शो होता जाता है, ठीक है, विजिबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देखिए असर्शन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस, ऑफकोर्स ये ट्रू हो जाएगा। एंड ए सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, नो। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्यों। अब देखिए असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, ठीक है, मतलब वो हेटरोजीनियस हो जाएगा। सो सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इज होमोजीनियस एज इट हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, वेयर एज इफ सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज सेड बी हेटरोजीनियस। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे होमोजीनियस दे रखा है। अगर यहाँ हेटरोजीनियस होता तो ये आपका ए ऑप्शन बन जाता, बट अब यहाँ पे आपका असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यही थी आज की आपकी वर्कशीट। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक ले, ओके बाय, टेक केयर।